हेलो एवरीवन। तो एक कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर नीयुन की, जो कि अपनी पिछली लाइफ में काफी बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री का सीईओ भी था। सीईओ बनने के लिए उसने काफी ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर एक बार वो काफी ज्यादा अमीर हो गया तो उसके बाद वो अपने प्यार के साथ शादी कर सकता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए खुश भी, जिस वजह से उन्हें कभी भी पैसों की कमी ना हो। लेकिन ज्यादा पढ़ाई के कारण उसकी दिन ब दिन तबीयत खराब होने लगी, जिस वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर दिया और कुछ ही दिनों बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। अब जब नीयुन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है, यानी कि अब वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था और उस दुनिया में मार्शल आर्ट्स और काफी ज्यादा सुपर पावर्स भी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इस लाइफ में उसकी शादी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे नहीं पहचानती। तो क्या वो इस लाइफ में एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट कल्टिवेटर बन जाएगा और क्या वो नेट के दिल में एक बार फिर से जगह बना पाएगा? वेल, इसी के साथ ये स्टोरी शुरू होती है और हमें शुरुआत में राजा के लोग उसे बता रहे होते हैं कि दो कंट्री के बीच में वॉर चल रही है, यानी कि जियान कंट्री और लियांग, और ये बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि दोनों में से कौन कंट्री जीतेगी। इस वॉर की वजह से दोनों कंट्री ने अपने बीच में होने वाला बिजनेस यानी कि क्लोथ का भी बंद करा चुका है, जिस वजह से कंट्री में क्लोथ की मार्केट और भी ज्यादा हाई पहुंच चुकी है। क्यों ना हम इसी मौके का फायदा उठाएं और अपने बिजनेस को दोनों कंट्री के साथ जोड़े, जिस वजह से हमारे कंट्री को और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा। उसकी बातों पर मैजेस्टी एग्री होते हैं और वो कहते हैं कि जाकर ऑर्डर दे दो हमारे यहाँ के सारे रॉयल सप्लायर्स को और एक मीटिंग बनाओ, यहाँ सबके सब डिसाइड कर सके कि कौन सी रॉयल फैमिली ज्यादा बेहतर है इस काम के लिए। उसकी बातों पर उसके लोग एग्री होते हैं। अब हम यहाँ पर राजा को देखते हैं, जो कि अपने नौकर से पूछता है कि मैंने सुना मिनिस्टर क्वीन वॉर से वापस आ चुकी है। अब जिस पर वो बताता है कि हाँ, उस टाइम पर वो जियांगलिंग सिटी में मौजूद है। इसके बाद हमें जियांगलिंग सिटी दिखाई देती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हम उसी सिटी में अपने मेन कैरेक्टर को भी देखते हैं, यानी कि नीयुन, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। उसी तरफ वो सपने में देख रहा होता है कि डॉक्टर्स उसे बचाने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, बट वो उसमें फेल हो जाते हैं। और अब नीयुन अचानक से पानी के अंदर डूबने लगता है, वो उस जगह से बाहर निकलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, तभी अचानक से उसका सपना भी टूट जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक लड़की काम कर रही होती है। उससे अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है कि वो वाकई में ठीक हो गया, कहीं ये सब कुछ एक सपना तो नहीं। लेकिन उसकी तबीयत खराब थी, उसे जागता देख वो लड़की उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। अब जिस पर नीयुन उससे पानी मांगता है, जिस पर वो लड़की दवाई लेकर आ जाती है और कहती है कि आपका दवाई खाने का टाइम हो चुका है मेरे प्यारे जीजू। अब जिस पर नीयुन उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, जीजू? ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपनी चद्दर को हटाकर अपने कपड़े को देखता है, जो कि काफी ज्यादा अलग थे। यहाँ वो उस लड़की से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ और वो ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो जियांगलिंग सिटी के शो मैंसन में है, यानी कि आज से पहले उसने जियांगलिंग सिटी के बारे में कभी सुना ही नहीं, और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वाकई में वो जगह काफी ज्यादा अलग थी। इसके बाद वो अंदर आकर सारी चीजों को देखने लगता है। उसको ऐसी हरकतें करके वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, कहीं तुम्हारी यादाश्त तो नहीं चली गई, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं दी को क्या जवाब दूंगी। दूसरी तरफ नीयुन को अपनी मेमोरी में पता चलता है कि वो शराब पीते हुए गलती से नदी में गिर गया था और यही दूसरी तरफ उसकी लाइफ में वो उसी टाइम पर मरा था, इसका मतलब कि उसकी सोल दूसरी दुनिया में आ गई। इसके बाद वो शीशे में जाकर अपनी शक्ल देखता है, वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस बार वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुका है, इवन कि उसके फेस के सारे रिंकल्स भी निकल गए और उसका चश्मा भी। इसके बाद वो मैरिज फॉर्म में देखता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उसकी शादी तनीर से हुई है और अब वो जिस सिटी में है उसका नाम जियांगलिंग है। फिर उसे ये पता चलता है कि उसके साथ इस लाइफ में उसका फोन भी आया है और जब वो आसपास चेक करता है तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ में जाती है, जहाँ पर कि वो उसके फोन के ऊपर इंक मिक्स कर रही होती है। ये देखकर वो उससे कहता है कि ये कोई पत्थर नहीं है, तो जिस पर वो लड़की कहती है तो फिर ये है क्या जिसके लिए तुम मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो। अब जिस नीयुन उससे कहता है कि आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये क्या है, और फिर वो उससे कहता है कि रहने दो। यहाँ दूसरी तरफ वो अपने फोन को चेक करता है, जो कि बिल्कुल सही कंडीशन में था। यहाँ वो लड़की उससे कहती है कि पता नहीं तुम्हें क्या हो चुका है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मेरे चीजू बने, जानते हो तुम कितने ज्यादा लकी हो जिसे मेरी बहन ने शादी करी। इससे पहले तो तुम काफी ज्यादा गरीब थे, जिसके पास एक दिन के खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इवन की तुम अनाथ भी थे, ना ही तुम्हारे पास रहने के लिए कोई घर था ना ही कोई।
तो जिस पर नियोन उससे कहता है कि फिर तुम्हारी बहन ने मुझसे शादी क्यों करी जब मेरे पास पैसे ही नहीं है, और तुम इसे लक कैसे कह सकते हो जब मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ। अब जिस पर लड़की कहती है कि रही बात मेरी बहन की शादी करने की, तो उसने तुमसे शादी नहीं बल्कि तुम्हें एक गेम में जीता था जहाँ तुम्हारे जैसे 9 लोग मौजूद थे। अब जिस पर नियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि क्या मतलब कि उसने मुझे गेम में जीता। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, जो भी कहो तुम्हारी बहन जरूर लकी है जिसे कि मेरा जैसा हस्बैंड मिला। एनीवेज मुझे पाकर तो वो काफी ज्यादा खुश हुई होगी ना। अब जिस पर लड़की कहती है कि खुश, जब उसे ये पता चला कि तुम उसके हस्बैंड हो तो तब से वो गायब है और वो तुम्हारी तरह काम जो नहीं है, उसके पास और भी ज्यादा काम है। और चांद आज काफी बड़े बड़े रॉयल क्लोथ सप्लायर्स की मीटिंग है, उसी में मेरी बहन गई हुई है। इवन कि उसने अपने काम के चक्कर में मैरिज को भी अटेंड नहीं करा। तो उसकी बातों को सुनकर नियोन सामने पड़ी पेंटिंग के पर्दा हटाकर देखता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है। तो जिस पर लड़की कहती है कि सही पहचाना चीजू, वैसे तुम्हें कल सुबह 3 बजे अच्छे से तैयार होकर तनेर के फैमिली से मिलना होगा, तो भूलना मत, वही तुम्हें तनेर भी मिलेगी। अब जिस पर नियोन कहता है कि कल का इंतजार क्यों करना, मैं अभी जा रहा हूँ डिवोर्स देने। अब जिस पर लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ नियोन वहां से निकल जाता है और कहता है कि आखिर ये लोग मेरी ऐसे शादी कैसे करा सकते किसी भी ऐरे गहरे से, क्या मतलब कि मुझे गेम में पेस दिया था, ह्यूमन राइट नाम की क्या कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। दूसरी तरफ नियोन को देखकर स्ट्रीट में खड़े सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इस बंदे ने शादी के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। दूसरी तरफ उस जगह को देखकर नियोन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो सारे मोमेंट्स को अपने फोन में कैप्चर कर रहा होता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा लोगों से एमरलैंड हॉल का रास्ता पूछ रहा होता है, तो जिस पर वो लोग उसे नहीं बताते। काफी लोगों से पूछने के बाद वो थक जाता है और एक जगह में बैठ जाता है जहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं वॉर के बारे में। तो जिस पर उनमें से एक बंदा उन्हें रोक देता है और कहता है कि भूलो मत कि हॉट सॉन्ग शार्प इस जगह में मौजूद है, अगर उनके किसी भी बंदों ने इस बात को सुन लिया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबके लिए अच्छा यही रहेगा कि हम वॉर के बारे में बातें छेड़े ही ना। तभी वहां से एक गाड़ी गुजर है जिसको देखकर एक लड़की उसका पीछा करने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ नियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये वुड एनएसटी क्या है और जियांगलिंग सिटी, इसके बारे में तो उसने कभी भी नहीं सुना। जब वो रास्ते से जा ही रहा होता है कि काफी लोग तेजी से भागते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं कि आगे सीरियल किलर है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर नियोन काफी तेजी से उस जगह में चेक करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वही लॉर्ड सोंगशा की कार्ड के ऊपर उस सीरियल किलर ने टैग करा हुआ था। सीरियल किलर भी वही थी जो कि उस कार्ड का पीछा कर रही थी और दूसरी तरफ लॉर्ड सोंगशा भी वही थे के बारे में वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ लॉर्ड सोंगशा को बचाने के लिए उनके यहाँ के सिपाही उस सीरियल किलर के साथ फाइट करने लगते हैं। उस फाइट को देखकर नियोन काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो लोग हवा में फाइट कर रहे थे और वाकई में उस लड़की के स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसको देखकर नियोन बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और कैमरे में उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। यहाँ वो सीरियल किलर उस सिपाही को बड़ी आसानी से हरा देती है, तभी अचानक से दूसरे सिपाही उसके ऊपर एरो से अटैक कर देते हैं, तो जिस पर वो लड़की इंजर्ड हो जाती है। अब ये देखकर वो उस जगह से भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी एक सिपाही उसे देख लेता है, तो जिस पर वो जैसे चिल्लाने वाला था नियोन उसके ऊपर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर वो सीरियल किलर काफी ज्यादा हैरान होती है कि आखिर नियोन ने उसकी मदद क्यों करी और वो है कौन। दूसरी तरफ नियोन उससे कह रहा होता है कि उसे स्टूडेंट की जरूरत है और है तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ, तो उसकी बातों को सुनकर वो लड़की कहती है कि तो पागल है, ये कहकर वो वहां से चले जाती है। दूसरी तरफ नियोन कहता है कि थैंक्स कहने के बदले वो मुझे पागल कहती है, पर जो भी कहो ये बंदी है तो कूल। इसके बाद वो भाग के जाकर उसकी फोटो लेने लगता है, तो उसकी फ्लैशलाइट को देखकर वो लड़की डर जाती है और सीधा नीचे जाके गिरती है। ये देखकर नियोन उस जगह से निकल लेता है। तभी उसकी नजर एक नेम प्लेट में जाती है जहाँ पर की एमरलैंड हॉल लिखा हुआ था। के बाद वो अंदर जाता है और उसे वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि वहाँ पर सबके सब लोग अपनी अपनी पोइट्री लिख रहे होते हैं। ये देखकर नियोन काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो लोग ब्रश से लिख रहे हैं, उनके पास कोई पेन या फिर कुछ भी चीज मौजूद नहीं है। तभी वो एक खिड़की के सामने आता है और वहां से वो एक नजारे को देखता है जो कि सेम टू सेम उसके वॉलपेपर में भी था, तो उस जगह को देखकर उसे अपनी पिछली लाइफ याद आती है जहाँ नियोन अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो हमेशा उसे खुश रखेगा, बट उसके लिए उसे सबसे पहले अमीर होना पड़ेगा। इसके बाद उसने कई सारे फॉर्म्स भरे और कई सारे जॉब्स में भी अप्लाई करा, काफी मेहनत के बाद वो फाइनली कंपनी का सीईओ भी बन गया। इसके बाद वो काफी ज्यादा अमीर हो चुका था, बट ओवर टाइम
पढ़ाई और काम करने की वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, जिस वजह से अब उसके पास समय भी काफी ज्यादा कम था। वो ये बात जानता था कि आज नहीं तो कल उसने मर जाना है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि उसे जितने पैसे चाहिए वो इस कार्ड से ले ले, बट उसकी जिंदगी में कभी भी ना आए। बात सुनकर वो उसके कार्ड को वहीं छोड़ के चले जाती है और उसे कहती है कि जहाँ प्यार ही ना हो वहाँ पैसा कोई भी अहमियत नहीं रखता। और इसके बाद हम नियुन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। नमो को याद करके वो कहता है कि भले मैं इस दुनिया में काफी करोड़ों रुपए भी कमा लूं, बट मैं उसकी जैसी लड़की कभी भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। यहाँ वो इन सारी बातों को एक पोयम के रूप में कह रहा होता है, तो उसके इस पोयम को सुनकर आसपास खड़े लोग उसे लिख रहे होते हैं और कहते हैं कि वाकई में क्या सच में तुमने ये पोयम बनाई है, हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमा लो। इसके बाद वो लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर तैनीर भी आ जाती है, यानी कि वही नियुन की वाइफ थी जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसको देखकर नियुन कहता है कि वाकई में मुझे अपनी वाकों पे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में उसे इस लाइफ में भी ढूंढ लिया, यानी कि जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं उससे हम कहीं ना कहीं किसी दूसरी लाइफ में या फिर इस लाइफ में वापस जरूर मिलते हैं, यानी कि लाइफ हमें एक और बार मौका देती है। तभी इसके बाद फ्लावर पोट का शो भी होने लगता है, जिसको देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो लड़कियां वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत डांस कर रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ एक बंदा नियुन की कही हुई पोयम लिखकर मिनिस्टर को दे देते हैं। मिनिस्टर उस पोयम को पढ़कर काफी ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर जैंग के पूछने में मिनिस्टर बताते हैं कि वाकई में जिसने भी इस पोयम को लिखा है वो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड होगा। वैसे पोयम लिखी किसने है? अब जिस पर बंदा उसे बताता है कि ये सू फैमिली का नया दामाद ने लिखी है, जिस पर मिस्टर जैंग कहते हैं तुम्हारा मतलब कि वही रॉयल फैमिली, तो जिस पर बंदा कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गवर्नमेंट के कहने पर पूरी सिटी में कर्फ्यू लगा दिया था, यानी कि कोई भी सिटी से बाहर नहीं जा सकता और ना ही सिटी के अंदर आ सकता है बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, और जिन लोगों के पास परमिशन थी वो लोग उन्हें जाने देते हैं। ये सब कुछ ऊपर खड़ी वही सीरियल किलर भी देख रही होती है, क्योंकि उसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर कर्फ्यू लगाया हुआ था। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हम सिटी के गवर्नर को देखते हैं, जिसके सामने कैप्टन सॉन्ग खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे इलाके में आने के बाद मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है, तो क्या तुम मुझे बताओगे, और इवन कि तुम लोग अभी तक उसे पकड़ भी नहीं पाए। और इसके बाद वो फुटबॉल से उसके मुंह पे मारते मारते बचता है और कहता है कि आज से पहले किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मेरे ऊपर टैग करने की कोशिश करे, पूरी सिटी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाँ मैं जानता हूँ कि आपकी ये पोस्ट कितनी ज्यादा बड़ी है, अगर इसमें आपकी थोड़ी सी भी इमेज खराब हुई तो आपको कितना ज्यादा नुकसान होगा, बट मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तरफ नियुन हॉल में पहुंच जाता है, जहाँ पर की काफी बड़ी मीटिंग हो रही होती है। वहाँ पर आकर नियुन सोच रहा होता है कि आखिर तैनीर ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। दूसरी तरफ वो लोग उससे पूछते हैं कि वो है कौन, तो तभी वहाँ पर तैनीर भी आ जाती है और वो कहती है कि अच्छा वो कि आप सबके सब यहाँ पर मौजूद है, मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को आप सभी से मिलाना चाहती हूँ, हाल ही में हम दोनों की शादी हुई है और उसका नाम नियुन है। तो जिसके बाद वहाँ के लोग नियुन से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं। दूसरी तरफ तैनीर बाकी सबको बताती है कि आज जो यहाँ पर पोयम गाई हुई थी उसे नियुन ने ही लिखा था आप सभी के लिए। तो ये बात जानकर वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि सच में वो पोयम तुमने लिखी थी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसके बाद बाकी के लोग भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक बंदा जिसका नाम जियो यान था, वो कहता है कि अगर तुमने वो पोयम लिखी है इसका मतलब कि तुम स्कॉलर्स में भी सिलेक्ट हो चुके होंगे, है ना। तो उसकी बातों पर वहाँ के हेड नियुन से कहते हैं कि ये भी तुम्हारी तरह पोइट्री लिखता है, और जानते हो कि इसने बचपन में इंपेरियल एग्जामिनेशन को पास कर चुका था और अब ये जियांगलिंग सिटी के बेस्ट स्कॉलर्स में से आता है। तो ये बात सुनकर नियुन उसको कहता है कि आपसे मिलके मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, और जैसे ही वो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो जियो यान उसका हाथ हटा देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने कंट्री एग्जामिनेशन में फेल हो चुके थे, इंपेरियल एग्जामिनेशन तो दूर की बात। तो जिस पर बाकी के लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वाकई में ये अपने कंट्री एग्जाम में फेल हो चुका था। और इसके बाद को यान काफी बड़े बड़े सप्लायर्स के सामने नहीं उनकी बेइज्जती करता और कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने वो पोयम जो रा के लिखी हो। तो उसकी बातों पर अब बाकी लोग कहने लगते हैं कि को यान की बातों पे दम तो है, अगर वो अपने कंट्री एग्जाम में फेल हो चुका था इसका मतलब जरूर उसने ये पोयम कहीं से चुरा के लिखी है। पर तैनीर इस झूठ में उसका साथ क्यों दे रही है? उनकी बेइज्जती होता देख तैनीर उसका साथ देती है और कहती है कि हाँ माना कि नहीं उन्होंने अपने कुछ एग्जाम में फेल हुआ था।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोशिश नहीं करी होगी कि वो ठीक हो, और पंदा चाहे तो मेहनत करने के बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव भी कर सकता है। और रही बात पोयम चोरी करने की, तो बाहर खड़े उन सारे लोगों ने उसे ये पोयम खुद बनाते हुए सुना है, तो क्या तुम ये भी कहना चाहते हो कि वो लोग भी झूठ बोल रहे थे? रही बात नियोन की, तो मैंने उसके साथ साथ ही उसके बैकग्राउंड देख कर नहीं करा, बल्कि उसका करेक्टर देख के करी है। जानते हो कि नियोन ऐसा कभी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तैनेट को अपने फेवर में स्टैंड देख कर डियोन काफी ज्यादा खुश होता है, और उसे तैनेर में अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। यहाँ दूसरी तरफ हेड डिसाइड करते हैं कि इस साल के अकॉर्डिंग बेस्ट सप्लायर तो सू फैमिली है, तो इस बार हम मौका भी सू फैमिली को ही देंगे। तो जिस बात पर गुयान एग्री नहीं होता और कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग तो तैनेर की उम्र सिर्फ 19 साल है, और वो तो इस फैमिली बिजनेस में इतनी ज्यादा माहिर भी नहीं है, क्योंकि इस फैमिली बिजनेस को संभाले हुए उसे सिर्फ कुछ ही साल हुए, और हमें इस काम के लिए एक्सपीरियंस बनना चाहिए, क्यों ना तुम लोग हमारी फैमिली को चूज करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और वैसे भी मुझे तो ऊपर से भी ऑर्डर आया है। ये बात सुनकर नहीं उनको काफी ज्यादा गुस्सा आती है। दूसरी तरफ तैनी गुयान से कहती है कि चलो मान लिया मैं इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट भूलो मत कितने 3 सालों में हमारी रॉयल फैमिली क्लोथ की सप्लाइंग में फर्स्ट नंबर पे आई है, और ये चीज 3 साल के डेटा के रिजल्ट है। रही बात अगर तुम्हारी फैमिली की सप्लाई इतनी ज्यादा ही अच्छी थी तो तुम्हारा नाम भी तो टॉप रैंक में आ सकता था ना। और रही बात की तुम्हारे ऊपर से ऑर्डर आया है, तो भूलो मत कि यहाँ पे टैलेंट काम आता है, ना कि किसी का सपोर्ट। उसकी बातों पर सबके सभी लोग एग्री होते हैं, और जिसके बाद वो सप्लायर्स तनीर की फैमिली के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि तनीर को जो भी रिसोर्सेज की जरूरत हो वो हमारे पास आकर ले जा सकती है, हम तुम्हारे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तनीर को देखकर नियोन सोचने लगता है कि वाकई में ये वही है जिन्हें पता था कि हम दोनों इस तरह भी कभी मिलेंगे, बट अगर भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है मैं जरूर इसे नहीं गवाऊंगा। उसे तो तनीर नियोन से कहती है कि क्या तुम्हें घर नहीं जाना? अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन उसके पास आती कहते हैं कि जानती हो आप जीजू रात ही रात काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं अपनी कल रात की पोएम की बात, और उनकी न्यूज तो ट्रेंडिंग में चल रही है जिस वजह से उसे उस पोएम की सैलरी भी मिल चुकी है। अब जिसके बाद तनीर से पूछते हैं कि अब वो कहाँ है, तो तनीर से कहते हैं कि पता नहीं सुबह से तो वो गायब है। उसी तरफ हमें उनको एक जगह में देखते हैं जहाँ पर कि वो जमीन खरीदने के लिए आया था, यानी कि वो लेडी उससे कहती है कि आपको किस तरह की लैंड चाहिए, तो जिस पर नियोन उसे बताता है कि मुझे ज्यादा महंगी नहीं चाहिए बल्कि नॉर्मल ही चाहिए। अब इसके बाद उसकी मीटिंग मिस्टर जैंग के साथ होती है जो कि एक डीलर भी थे। मिस्टर जैंग ने उनको पहचान लेते हुए कहते हैं कि तो तुम ही वो नियोन हो ना जो आज बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है, तो जिस पर नियोन हाँ में जवाब देता है। इसके बाद मिस्टर जैंग कहते हैं कि ठीक है फिर काम की बात पे आते हैं, और फिर वो नियोन के सामने एक काफी बड़ी पेंटिंग रख देता है और कहता है कि देखो मेरी काफी बड़ी जमीन है और यहाँ पे विला भी मौजूद है अगर तुम चाहो तो, और इसके आसपास काफी बड़े बड़े गार्डन भी है, तुम चाहो तो इसमें और चीजें भी बना सकते हो अपने लिए और इस जगह को और भी ज्यादा एक्सपेंसिव भी बना सकते हो, यहाँ पर तुम्हें शहर की तरह हल्ला गुल्ला भी नहीं मिलेगा, इस जगह के हर कोनों में तुम्हें शांति मिलेगी। उसकी ऐसी बातों पर नियोन कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा, का मतलब कि जरूर ये इस लैंड के प्राइस बढ़ाना चाहता है, तभी वो उस जगह कितनी ज्यादा तारीफ कर रहा है, लेकिन ये जानता नहीं कि मैं भी एक बिजनेसमैन हूं। और इसके बाद वो मिस्टर जैंग से कहता है कि अगर ये जमीन इतनी ज्यादा ही अच्छी थी तो ये इतने सालों से क्यों नहीं बिकी। अब जिस पर मिस्टर जैंग चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद ही जमीन को खरीदने के लिए इससे अच्छा ओनर मुझे पहले कोई मिला ही नहीं, तो जिस पर नियोन उसे उस जमीन कितनी कमियां बता देता है जितनी कि उसने तारीफ भी नहीं करी थी। वो कहता है कि पहली बात तो कि ये जमीन रिमोट एरिया में यानी कि उसके आसपास कोई मार्केट भी नहीं है, तो तुम किस हिसाब से इसका रेट इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। और रही बात काफी बड़े बड़े गार्डन की, तो वो तो नॉर्मली भी जंगलों में होते ही है, और इवन की वो जगह सिटी से भी अलग है थोड़ी। तो जिस पर मिस्टर जैंग उससे कहते हैं कि ठीक है फिर मान ली मैंने तुम्हारी बात, क्यों ना तुम 500 सिक्कों में इस जमीन को खरीद सकते हो, तो जिस पर नियोन कहता है कि क्या कहा तुमने 500 सिक्के, ये जमीन तो 50 सिक्कों के लायक भी नहीं है। जिस पर मिस्टर जैंग का बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब जिस पर मिस्टर जैंग उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं कि ठीक है अगर तुम थोड़ा डिस्काउंट चाहते हो तो हम तुम्हें दे सकते हैं, तो जिस पर नियोन कहता है कि तुम इस जमीन को सिर्फ मुझे क्यों बेचना चाहते हो, जरूर तुम्हारे पास कोई प्रेशर है ना। उसकी बात
बातों को सुनकर मिस्टर जेंग कहते हैं कि आखिर इसे पता कैसे चला। पहले एक प्रिंसेस के साथ शादी करने के बाद मेरी पूरी जिंदगी खराब तो हो ही चुकी है, और अगर आज मैंने ये जमीन नहीं बेची तो वो मुझे घर जाके बहुत पिटेगी। जिस पर न्यून उससे कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, बट क्यों ना हम उस जगह पर एक रिजॉर्ट बनाएं और उस जगह पर इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे रिजॉर्ट बनाना है। एनीवे सोचो, अगर वहाँ पर एक बार रिजॉर्ट बन गया तो उससे कितनी ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तुम बस मुझे उस इनकम का 40% दे देना, बाकी का 60% तो तुम्हारे पास ही रहेगा। अब इसके बाद वो मिस्टर जेंग को काफी ज्यादा सपने दिखाने लगता है, जिसके बाद वो एंड में उसे मना लेता है और फ्री में उस जमीन का ओनर बन जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर जेंग का बंदा कहता है कि आपने उसको जमीन फ्री में क्यों दे दी, उसने तो आपको एक भी रुपए नहीं दिए। तो अब जिस पर मिनिस्टर सामने आते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ उसने मेरे कहने पर करा है, यानी कि वो दोनों के दोनों न्यून का टेस्ट ले रहे होते हैं और उसमें न्यून पास भी हो चुका था। जिसके बाद मिनिस्टर कहते हैं कि न्यून जैसा बंदा तो हमें गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए जरूर, क्योंकि वाकई में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। दूसरी तरफ हम तैनेर को देखते हैं जो कि अपने बंदे से कह रही होती है कि तुम जानते भी हो कि तुम क्या बोल रहे हो, 3 सालों से इस दिन का कब से इंतजार कर रहा है, और जब आज वो टाइम आ चुका है तो तुम कह रहे हो कि सिल्क के प्राइस आसमान छू रहे हैं। तो जिस पर वो बंदा बताता है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जब से सिटी में कर्फ्यू लगा है तब से टैक्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और अगर हम रिसोर्सेज को अपने यहाँ ले भी आए तब तक वो काफी ज्यादा महंगे पड़ चुके होंगे। तो जिस पर तैनिर कहती है कि तुम जाकर गवर्नमेंट से परमिशन क्यों नहीं ले लेते, तो जिस पर वो बताता है कि आप जानती हो ना कि आज नी यून ने सब लोगों के सामने जी उनकी कितनी ज्यादा बेइज्जती करी थी, तुम्हें वाकई में लगता है कि वो लोग हमारी मदद करेंगे भी। दूसरी तरफ तैनिर के कहने पर न्यून भी वहां पर आ जाता है। अब इसके बाद हम उन दोनों को एक जगह में देखते हैं जहाँ पर तैनिर न्यून से कहती है कि वेल तुम पूरे दिन पर कहाँ थे, आज तुम सुबह से गायब हो। तो जिस पर न्यून कहता है कि मैं पुरानी बातों को भूलकर अब नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। यहाँ पर वो मिस्टर जेंग से खरीदी हुई जमीन के कागजों की बात कर रहा होता है, पर दूसरी तरफ तैनिर को लगता है कि शायद वो डिवोर्स मांग रहा है क्योंकि उसे उसकी बहन ने सब कुछ बता दिया था। अब ये जानकर न्यून उससे कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। दूसरी तरफ तैनिर उससे कहती है कि मैं जानती हूँ हम दोनों की शादी कैसे हुई है और हम तो एक दूसरे के लिए नए हैं, इवन कि मैंने इससे पहले तो मेरे कभी देखा भी नहीं था। ये सुनकर न्यून को काफी ज्यादा शॉक लगता है कि वाकई में तैनिर उसे नहीं जानती, यानी कि वो उससे मिली तो है दूसरी लाइफ में बट अजनबी बन गई। जब वो यहाँ पे चीज सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि हम यहाँ पर न्यून को अरेस्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि उसने उस सीरियल किलर की भागने में मदद करी थी और ये गवाही हमारे बंदे ने दी, उसने उसे इंजर्ड भी कर दिया था। उनके साथ जी यून भी आया होता है और वो कहता है कि हाँ हमारे पास इस बात का प्रूफ भी है क्योंकि काफी लोगों ने उसे उस जगह में मौजूद पाया था। ये सुन के तैनिर बिल्कुल भी एग्री नहीं होती और वो कहती है कि आखिर मेरा हस्बैंड भला क्यों किसी सीरियल किलर की मदद करेगा, तुम लोगों से कोई गलतफहमी हुई होगी। और जब वो ये बात कर ही रहे होते हैं तभी न्यून सामने आता है और कहता है कि हाँ उसने उस सीरियल किलर की भागने में मदद करी थी। अब इस बात पर जी यून कहता है कि इसका मतलब कि पूरी सू फैमिली तुम्हारे साथ मिली हुई है ना, तो इन सबको अरेस्ट कर लो। और इसकी ऑर्डर पे वो उन बाकी मेंबर्स को भी खींच के ले जाने लगते हैं। जैसे एक मेंबर तैनिर का हाथ पकड़ रहा होता है तो न्यून उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि मैंने अपना गुनाह एक्सेप्ट करा है और इसका कोई भी लेना देना सू फैमिली से नहीं है और तुम्हारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि ये लोग भी वहां पर मौजूद थे। तो उसकी बातों पर वो लोग अब न्यून को ही ले जाने लगते हैं कि बाद हम न्यून को जेल के अंदर देखते हैं और वो वहां पर सोच रहा होता है कि आखिर कैसे तैनिर उसे भूल सकती है। एक ही तो रास्ता बचा था उसके पास तैनिर के साथ नई जिंदगी शुरू करने का, वो इतने जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। तभी वहां पर एक ऑफिसर न्यून को चेक करने के लिए आता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर वो उसे काफी ज्यादा उठाने की कोशिश करता है बट उसे लगता है कि शायद वो मर गया और वो कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि कल तक तो तुम्हारी न्यूज पूरी सिटी में फेमस थी बट अफसोस आज मैं तुमसे मिला तो तुम मर चुके हो। और ये कहकर वो न्यून की आंखों को बंद कर देता है। अब जिस पर न्यून अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ। दूसरी तरफ उसको जिंदा देखकर उस बंदे की अच्छे से फट जाती है। दूसरी तरफ न्यून उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तो मुझे मार दो। यहाँ दूसरी तरफ तैनिर पैसे इकट्ठा कर रही होती है न्यून को जेल से छुड़ाने के लिए, लेकिन पैसे कम पड़ने पर वो अपनी ज्वेलरीज को भी रखने लगती है। ये देखकर शाओचेन कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, आप क्लैन से भी तो बात कर सकती हो ना। तो जिस पर वो कहती है कि नहीं ये हमारा मैटर है। तो जिस पर शाओचेन उससे कहती है कि क्या आपका मैटर, न्यून मेरे जीजू नहीं है लेकिन अफसोस हम इन पैसों से
से भी उसे नहीं बचा सकते कल की पनिशमेंट से। और इसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं। यहाँ तो उसी तरफ नियोन उससे कहता है कि मेरी पनिशमेंट माफ हो चुकी है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ पर जियोन गवर्नर को एविडेंस दिखाता है और कहता है कि हमें इस बंदे से ये सारी की सारी चीजें मिली है। तो जिस पर नियोन का फोन देखने लगते हैं और यहाँ पर जियोन कहता है कि ये जरूर किसी तरह का हिडन वेपन होगा क्योंकि वो उस सीरियल किलर से मिला जो हुआ है। तो जिस पर नियोन उनसे कहता है किसी तरह का हिडन वेपन नहीं है। अब दूसरी तरफ गवर्नर उससे कहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं ना, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है। इसी बात पर वो नियोन के फोन को टेबल में पटकता है। तो ये देखकर नियोन उससे कहता है कि पागल है क्या बुड्ढे, उसकी स्क्रीन टूट जाएगी। अब जिस पर सबके सब लोग उसे देखने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ उसके ऐसे बिहेवियर पे गवर्नर अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो उसे 20 बार मारे, वो भी टंडे से। और जैसे ही वो लोग उसे पीटने वाले होते हैं कि तभी दूसरी तरफ गवर्नमेंट उन सबको रोक देता है और कहता है कि इसने तो मिस्टर जैंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है, हम इसे नहीं मार सकते। अगर हमने इसे कुछ भी करा तो हम उसे क्या जवाब देंगे। नी उनकी पनिशमेंट को रोक देते हैं। यहाँ पर जो यान ये सब कुछ देखकर कहता है कि आप इसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं, क्या पता ये चीजें फर्जी हुई। तो जिसके जवाब में नी उन्होंने कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मिनिस्टर क्वीन से जाकर ये बात पूछ सकते हो। मिनिस्टर क्वीन का नाम सुनकर गवर्नर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहते हैं कि जरूर गलती जो यान से हुई होगी प्रूफ लाने में, और वैसे भी रात के अंधेरे में जरूरी थोड़ी ना है कि वही मौजूद होगा। दूसरी तरफ जो यान अपने आप को साबित करने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर न्यून उससे कहता है कि मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, मुझे मोहरा बनाकर शू फैमिली के अगेंस्ट यूज करना चाहते हो, है ना। तुम चाहते हो कि शू फैमिली अपने क्रोध के इस डील को छोड़ दे जिसके बाद वो तुम्हारी फैमिली के पास आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बात लास्ट बार बोल रहा हूँ, अगर अगली बार से तुमने सू फैमिली के अगेंस्ट कोई भी साजिश रचने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद वो बंदा बताता है कि हाँ इसमें जो सिग्नेचर है वो रियल है। तो जिस बात पर वो लोग उसे छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पर गार्ड के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि नियुन उन दोनों को ये बात बता रहा होता है। ये बात सुनकर साउचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वाकई में तुमने तो आज गुयान की अच्छे से वाट लगा दी, तुम सच में लकी हो, है ना। तो जिस पर नियुन कहता है कि हाँ। अब दूसरी तरफ नियुन डैनी को कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें अपने ऊपर और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि जियान ने हमारी उस दिन मीटिंग के टाइम पर सबको हमारे अगेंस्ट करने की कोशिश करा और आज भी। तो जिस पर डैनी उसका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ शाओचैन नियुन को बताती है कि जानते हुए हो मेरी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए आज अपने सारे जेवर भी गिरवी रख दिए थे, उनकी अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज भी। अब हमें पास का सीन दिखाते जहाँ पर की तैनी ने उनको बचाने के लिए अपने सू फैमिली की शॉप को भी गिरवी रख देती है। ये चीज करने से साउचैन उसे मना भी करती है, बट नियुन कहती है कि मैं जानती हूँ ये सब कुछ जियान की साजिश है, वो चाहता है कि हम अपनी शॉप को बेच दे, इसलिए आज उसने ये सब कुछ करा है। लेकिन मेरे साथ शादी करने के बाद नियुन भी अब हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है और उसे बचाने के लिए जो भी हो पाएगा मैं वो करूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर नियुन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिस वजह से वो उन दोनों से कहता है कि घर चलो मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। और अब हम उसे मार्केट में देखते हैं। यहाँ पर मार्केट में एक बार फिर से नियुन की न्यूज ट्रेंडिंग में होती है और जब वो जा रहा होता है कि तभी एक बंदा उसका रास्ता रोक देता है और कहता है कि क्या तुम हमारे शॉप से कुछ खरीदना नहीं चाहोगे। अब जिस पर नियुन उसे देखकर कहता है कि मैं तुम्हारी शॉप से खरीदूंगा जरूर, बट तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मुझे कोई कुनफू मास्टर मिलेगा जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देता हो, और उस ट्रेनिंग के बाद मेरे पास भी फिस्ट मौजूद हो जैसे कि टाइगर फिस्ट और भी ज्यादा पावर्स। तो जिस पर बंदा कहता है कि टाइगर फिस्ट तो बहुत छोटी बात है, उसे तो मैं भी चला लेता हूँ। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, तुम तो 20 साल के हो चुके हो ना, क्या तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम इस जगह में नए आए हो। अब जिस पर न्यू अपने मन में सोचता है कि अब आखिर मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं यहाँ पर नया ही हूँ। हाँ दूसरी तरफ वो बंदा नहीं उनसे कहता है कि वेल अगर तुम बड़ी बड़ी टेक्निक्स और पावर्स के सपने देखोगे तो तुम्हें वही मिलेगी जैसे कि मैंने भी देखा था एक सपना। और इसके बाद वो अपनी वाइफ को नियुन को दिखाता है और कहता है कि यही एक एग्जांपल देख लो, मैंने भी कितना बड़ा सपना देखा था और आज वाकई में वो मेरी वाइफ है। इस पर नियुन कहता है कि वाकई में तुम्हारा सपना तो काफी बड़ा था। मैंने डिसाइड कर चुका है कि मुझे वॉरियर बनना है, और इसके बाद वो वॉरियर के सपने देखने लगता है। तो जिस पर वो बंदा उसे रास्ता बताता है, अब नियुन उसी के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए जा रहा होता है कि तभी अचानक से वहां पर वो
लड़की भी आ जाती है, यानी कि वही सीरियल के लड़की। तो उसको देखकर नियुन कहता है कि तुम तो वही हो ना। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, वो लड़की उसे धक्का देकर पीछे गिरा देती है और खुद ही उनके खरीदे हुए फ्रूट्स को खाने लगती है। यहाँ वो नियुन को एक जगह में ले आती है और कहती है कि क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम किस चीज से डर रहे हो। दूसरी तरफ नियुन नीचे देखकर कहता है कि उस बंदे ने मुझसे कहा था कि सपने ऊंचे ऊंचे देखना, बट मुझे लगता है कि अब मैं खुद ही ऊंचाई में आ चुका हूँ। और ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। दूसरी तरफ वो उस लड़की से कहता है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो क्या तुम मुझे नीचे उतारने में मदद करोगी। अब जिस पर लड़की उस फ्रूट को साइड रखकर उसके पास आती है और उसके जेब से उसका फोन बाहर निकाल देती है। ये देखकर नियुन उससे कहता है कि वो कोई खेलने की चीज नहीं है, वो टूट जाएगा, उसे वापस मेरी जेब में रखो। तो जिस पर लड़की उससे कहती है कि तो लास्ट टाइम तुमने इसी से वो लाइट जलाई थी ना, जिस वजह से मैं नीचे गिर गई थी, जानते हो भी वो मेरी कमर टूटते टूटते बची है। और यहाँ वो उन्हें उनके फोन को चेक करने लगती है, जहाँ वो गलती से एक बार फिर से उसमें फोटो क्लिक करती है। उसकी फ्लैशलाइट से वो डर के मारे उसके हाथ से फोन छूट जाता है। ये देखकर नियुन अपने फोन को बचाने के लिए भी नीचे कूद जाता है और फाइनली वो अपने फोन को बचा भी लेता है। और दूसरी तरफ वो लड़की उसे भी जाने के बाद वो लड़की कहती है कि वेल लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद करी थी, बट उसके बाद तुमने मुझे नीचे भी गिराया था और तुमने एक रात मेरे लिए जेल में भी गुजारी थी। तुमने मेरे बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया और आज तुम मेरे लिए मेरे फेवरेट फ्रूट लेके आए। वेल मैं तुम्हारे लिए एक फेवर का काम कर सकती हूँ, बोलो किसका मर्डर करना है। तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे रास्ते से साफ कर दूंगी। अब जिस पर नियुन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही है तो क्यों ना तुम मेरी मास्टर बन जाओ। अब जिस पर लड़की उससे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। उसके जवाब में नियुन उससे कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे भी मार्शल आर्ट सीखनी है, एक वॉरियर बनना है। तो जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए। वेल मैं तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक्स नहीं सिखाऊंगी, अगर तुमने उसका गलत इस्तेमाल करा तो। जिस पर नियुन उससे कहता है कि मैं उस टेक्निक का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर तुम मुझे वो टेक्निक सिखाओगी तो मैं हमेशा अच्छाई के लिए ही लड़ूंगा। तो जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं कैसे यकीन कर सकती हूँ तुम्हारे अंदर काबिलियत है मेरा स्टूडेंट बनने की। और इसके बाद वो रस्सी छोड़ देती है। यहाँ पर नियुन सीधा नीचे आके गिरता है। नियुन खड़ा होकर उससे कहता है कि वेल तुम मेरा इंटरव्यू ले सकती हो। तो जिस पर वो लड़की हो जाती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि अगर तुमने फ्रूट मेरे हाथ से छीन लिया या फिर नीचे गिरा दिया तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना लूंगी। और अब यहाँ उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर कि नियुन उस फ्रूट को छीनने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, बट वो लड़की वाकई में काफी ज्यादा फास्ट थी। बट यहाँ नियुन हार नहीं मानता और काफी ज्यादा मेहनत के बाद उसके हाथ से उस फ्रूट को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वो फ्रूट टूट के गिर जाता है और वो वेस्ट हो जाता है। ये देखकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेवरेट लास्ट बचे हुए फ्रूट को बर्बाद करने की। और इसके बाद वो गुस्से में आकर नियुन को एक खींच के मुक्का मार देती है। जब नियुन की आंख खुलती है तो वो उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। तो उससे तब वो लड़की उससे कहती है मुद्दे की बात में आते हैं, वेल मुझे लास्ट टैग जो करा था वो काफी ज्यादा सही लगा। उसके बाद वो नियुन को एक मार्शल आर्ट की बुक देती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम अब ट्रेनिंग कर भी पाओगे, तुम्हारी उम्र तो 20 साल हो चुकी है और तुम्हारा बेस भी अभी क्लियर भी नहीं है, पर चिंता मत करो तुम्हारी मास्टर मैच हूँ, मैं तुम्हें एक सेकंड रेट फाइटर बना दूंगी। तो जिस पर नियुन उससे कहता है कि ये सेकंड रेट फाइटर क्या होता है। अब यहाँ पर वो पेड़ के ऊपर एक अटैक करती है और उसे वहां से बाय कहते हुए चले जाती है। यहाँ पर नियुन कहता है कि तुमने तो बताया ही नहीं। दूसरी तरफ उसके एक अटैक में वो पूरा का पूरा पेड़ नीचे गिर के टूट जाता है। स्किल को देखकर नियुन काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और कहता है कि मुझे भी सेकंड रेट फाइटर बनना है। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि नियुन अपने फोन को चेक कर रहा होता है और कहता है कि जब से मैं इस लाइफ में आया हूँ तब से कोई ना कोई तो मेरे फोन में पड़ा ही हुआ है, आज भी मैंने इसे गिरते गिरते बचाया। और जब वो अपना फोन खोल के देखता है तो वहाँ पर लड़की की फोटो होती है और उसको देखकर नियुन हंसने लगता है और कहता है कि अगर ये फोटो उसने देख ली तो मुझे पक्का मार देगी। इसके बाद वो अपने रूम में आता है, जहाँ पर कि टैनिर पहले से मौजूद होती है। टैनिर उससे पूछते कि तब से तुम कहाँ गायब थे। तो जिस पर लियोन उसे बताता है कि जब वो मार्केट में घूम रहा था तो गलती से एक मार्शल आर्टिस्ट से टकरा गया था और उसने उससे कुछ मूव्स भी सिखाए, जानती हो उसने अपने एक ही वार में इतने बड़े पेड़ को तोड़ दिया था। उसकी बातों को सुनकर तनी हंसने लगती है और उसे हाथ खड़े करने को कहती है। अब जिस पर नियुन उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी मार्शल आर्ट आता है। तो उससे तो तनीर आकर उसके गले लग जाती है। तो ये देखकर नियुन कहता है कि ये तो कोई मार्शल आर्ट नहीं है, जिसके जवाब में तनीर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा नाप ले रही हूँ, कब तक तुम इन्हीं कपड़ों में घूमते रहोगे। अब यहाँ तनीर उसे समझाती है कि वो जितना हो सके जो यान से दूर ही रहे, क्योंकि अगर उसने कभी भी एक बार फिर से अपने आप को मुसीबत में डाला
तो वो उसे डिवोर्स दे देगी और उसके बाद उसे नई फैमिली ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए वही अच्छा है कि तुम एक बेस्ट हस्बैंड के तरह रहो। तो जिस पर नियोन उसकी बातों पर एग्री हो जाता है, इसके बाद तैनीर उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे उस रॉयल फैमिली से फ्री में जमीन ले ली, बट ये काम गलत है। हम यहाँ पे जो भी बिजनेस करते हैं उसमें लेन देन बराबरी की होती है, तो तुम जाकर इन पैसों को उन्हें दे देना। अब जिस पर नियोन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने तो उन लोगों के साथ डील करी है, चलो छोड़ो रहने भी दो, मैं ये पैसे उन्हें लौटा दूंगा। तो जिस पर तैनीर उसकी बातों पर एग्री होती है, अब वो वहां से चले जाती है। उसके जाने के बाद बंदा एरो को नियोन के दरवाजे पे मारता है और वो एक तरह का लेटर था। उस लेटर को देखकर नियोन काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम यूयान को देखते हैं जो कि अपने भाई से कहता है कि आखिर वो नियोन होता कौन है, वो अपने आप को समझता क्या है और आखिर उसका बिजनेस राजा के दामाद से कैसे हो सकता है, यानी कि वो मिस्टर जैंग की बात कर रहा है। और अगर वाकई में उनके बैकग्राउंड में इतने ज्यादा पावरफुल रॉयल फैमिलीज होगी तो हम फैमिली के बिजनेस को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। जानते हो ना, तैनीर ने अपने लोगों को सिल्क परचेज करने के लिए भेज भी चुका है, वो भी सिटी से बाहर, और उस गवर्नर की तो एम्परर से इतनी फट रही है कि उसने उनको इजाजत भी दे दी। आखिर हम इस बात पर चुप कैसे बैठे रह सकते हैं। जिस पर वो बंदा यूयान को एक लेटर देता है और कहता है कि तुम जाकर इस लेटर को मास्टर सोंगयान को दे देना, और रही बात तुम्हारी तो तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हो, जिस वजह से अब सू फैमिली के लोग भी अलर्ट हो चुके हैं, वो भी तुमसे। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फू फैमिली का मेंबर है, ये यूयान के साथ मिलकर सू फैमिली के बिजनेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यहाँ वो जियान से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम तैनीर को मेरे रास्ते से साफ कर दो और उसके उस नए हस्बैंड को भी, और हाँ मेरा नाम इस काम में नहीं आना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ हम नियोन को देखते हैं जो कि मार्केट में घूम रहा होता है, क्योंकि कल रात को जो उसे एक लेटर मिला था उसमें जूजी नाम के एक बंदे का नाम लिखा हुआ था और वो उसे ही ढूंढ रहा होता है। तभी अचानक से उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पे की एक लड़की अलग अलग तरह के एग्स को बेच रही होती है, उसी लड़की का नाम जूजी भी था। उसके ठेले में इतनी ज्यादा भीड़ देखकर नियोन कहता है कि वाकई में उसका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। तभी उसकी नजर एक बंदे की तरफ जाती है जो कि जूयान के लिए वही एक्स ले जा रहा होता है। जूयान को वहां देखकर नियोन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जूयान जूजी के पास आता है और कहता है कि जानती हो कुछ दिनों बाद मेरी पोस्ट पढ़ने वाली है, मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ। तो जिस पर लड़की कहती है कि प्लीज वो काम मैंने पहले ही बंद कर चुका है, अब यहाँ पर वो जूजी का हाथ खींचने लगता है और कहता है कि जानती हो ना मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। उन दोनों की आपस की बातों को सुनकर नियोन कह रहा होता है कि आखिर मुझे लियो ने सिर्फ इन दोनों कपल्स को देखने के लिए बुलाया है। अब जैसे ही वहां से जाने वाला था अभी वहां पर लियो ये भी आ जाती है और उसकी गर्दन को सीधा रखती है और कहती है कि वो दोनों लवर्स नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ जूजी को यान के हाथ को छुड़ाती है अपने से और कहती है कि मैंने मना करा ना, माना कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम जो चाहोगे वही करोगे। अब उसकी बातों पर क्यू यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसके ठेले को रोकता है और कहता है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। हाँ तुम मुझसे मना कर सकती हो, मैं कब से तुमसे प्यार से बातें कर रहा हूँ और तुम मुझे बार बार मना कर रही हो। अब उसके चिल्लाने पर आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो जूजी के बारे में बातें करने लगती है कि आखिर ये कैसी लड़की है जो कि गवर्नर ऑफिस के बंदे की इंसल्ट कर रही है, आखिर ये होती कौन है, ये अपने आप को समझती क्या है। दूसरी तरफ यान उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और कहता है कि अब तक तो मैं चुप था बट मैं अब बोलूंगा, क्या आप सब लोग जानते हो ये लड़की यहाँ आने से पहले पचारों में काम किया करती थी। इवन कि इसके पापा ने इसे बचपन में ही बेच दिया था, और अगर ऐसी लड़की हमारे आसपास काम करेगी तो हमारा एनवायरनमेंट खराब नहीं होगा क्या। तो उसकी बातों पर अब बाकी लोग उसके साथ हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें जूजी को इस जगह से निकाल देना चाहिए, अगर उस जैसी लड़कियां यहाँ पर रहेगी तो वो हम सबको भी अपने तरह बना देगी। उसकी इतनी बेइज्जती होता देख नियोन बीच में आता है और कहता है कि ये रोड तुम्हारी बाप की है। अब उसे यहाँ पर देख कर बाकी के लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। यहाँ गुयान उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इस बार तुम मेरे मैटर से दूर रहो। तो जिस पर नियोन उससे कहता है कि प्लीज मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मैंने तुम्हारे काले पर्चे यहाँ पे खोल दिए तो तुम अपना शकल दिखाने के लायक भी नहीं बचोगे। और रही बात जूजी की तो उसने बिजनेस अपने दम पे खोला है ना कि तुम्हारे। तो जिस पर जूयान नियोन से कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं उसका डेली का कस्टमर हूँ, अगर मैं यहाँ पे आना बंद कर दूँ और अपने साथियों को भी ना लाऊं तो उसकी शॉप दो ही दिन में बंद पड़ जाएगी। तो जिस पर नियोन उससे कहता है कि अच्छा जूजी जर अब इससे बताना कि तुम्हारे यहाँ पर दिन के कितने कस्टमर आते हैं गवर्नमेंट ऑफिस के लोगों को छोड़ के। अब जिस पर जूजी कहते हैं कि लगभग 500 से 600 लोग। अब जिस पर नियोन कहता है कि हाँ अगर वो अपने यहाँ का एक भी एग 20 रुपए के हिसाब से बेचती है तो उसका काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, और ऐसा भी नहीं है
लोग उससे सिर्फ एक ही एग यहाँ पर खरीदने आते होंगे, लगभग 5-6 तो दिन के ले जाते ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब जितना तुम गुयान अपने पूरे साल में नहीं कमाते, वो एक महीने में कमाती है। ये बात सुनकर वहाँ के सब लोग चुप हो जाते हैं। और दूसरी तरफ न्यून उन सबको ये भी बताता है कि उसके यहाँ पर आज खड़े होने का रीजन उसकी खुद की मेहनत है। उसके हाथों में कोई तो बात होगी ना जो सबके सब लोग इस डिश को खाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और रही बात गुयान की, अगर वो अपने यहाँ के लोगों को ना भी लाए तो उससे जूजी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अब सारे के सारे लोग नहीं उनके साथ ही खड़े होते हैं और वो लोग एग्री हो जाते हैं कि वो जो भी बोल रहा है सही है। और इसके बाद जूजी के शॉप में कस्टमर्स की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जूजी के हाथ के बनाए हुए एग्स का टेस्ट वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों के तीनों घर जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जूजी ने उनसे कहती है कि आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उन लोगों के सामने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। तो जिस पर कहता है कि तुम्हें थैंक्स मेरा नहीं बल्कि उसका करना चाहिए, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। अब जिस पर जूजी उसे न्यू ये के बारे में पूछती है, तो जिस पर न्यून उसे बताता है कि वेल ये मेरी मास्टर है और आजकल ये मुझे मार्शल आर्ट्स के रिलेटेड ट्रेनिंग भी देती है। यहाँ जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लियू यी न्यून से कहती है कि सामने देखो, वो फैमिली के स्टोर के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तो ये देखकर न्यून का दिल घबरा जाता है और वो भागकर चेक करता है। वहाँ पर गवर्नर ऑफिसर्स को देखकर न्यून को लगता है कि ये सब कुछ गुयान ने करा है बदला लेने के लिए, इसलिए वो घर के अंदर जाकर गुयान से कहता है कि वो बाहर निकले। उसने उसे पहले ही वार्निंग दी थी कि वो सू फैमिली के मैटर से दूर रहे और उन दोनों की दुश्मनी तो आपस की है ना। वहाँ पर एक देखो छोड़ के कोई भी नहीं था, यहाँ वो कुत्ता न्यून के ऊपर भौंक रहा था। ये देखकर न्यून उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे अपने भौंकने से डरा दोगे। अब यहाँ पर वो उस कुत्ते को डराने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है जो कि राजा की बेटी थी। वो न्यून को देखकर कहती है कि वेल तुम दिखने में तो काफी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन मैंने सुना कि तुमने मेरे हस्बैंड से काफी बड़ी लैंड खरीदी है इसे 50 सिक्कों में। ये देखकर न्यून मिस्टर जैंग की तरफ देखते है जो कि ऐसा बिहेव कर रहे थे कि उसने प्रिंसेस को कुछ बताया ही नहीं, यानी कि यहाँ वो न्यून से पैसे लेने के लिए आया। पर प्रिंसेस को देखकर न्यून उन्हें ग्रीट करता है। दूसरी तरफ वहाँ पर टैनिर भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि ये रहे वो कागज आ चुके मिस्टर जैंग ने न्यून को दिए थे। असल में न्यून वहाँ पर आपके जमीन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है, वैसे तो बिजनेस दोनों तरफ से होता है लेन देन का, तो मैं आपको इस जमीन का एक्चुअल प्राइस दे देती हूँ। यहाँ पर वो से 500 सिक्के दे देती है। उसको ऐसा करता देख प्रिंसेस उन पैसों को अपने पति के हाथ में देती है और कहती है कि टैनी तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। दूसरी तरफ पैसों को अपने हाथ में पाकर मिस्टर जैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। यहाँ प्रिंसेस टैनी का हाथ नहीं उनके हाथ पे रख देती है और कहती है कि पता नहीं क्यों बट मुझे तुम दोनों की जोड़ी देखकर ऐसा लगता है कि स्वर्ग से बन के आई हो। तो ये पास सुनकर वो दोनों के दोनों ही शर्मा जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर जैंग अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने टैनिर से इतने सारे कपड़े खरीदे, इतने पैसों में तो हम एक शानदार विला खरीद सकते थे। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तुमने मुझे पैसे जो दिलवा दिए नियम से। अब जिस पर प्रिंसेस उन पैसों को भी मिस्टर जैंग से वापस ले लेती है और कहती है कि तुम इसे अपने पास रखो, अगर तुम्हारी शॉप में कोई भी नई ड्रेस बनेगी तो मुझे जरूर बताना। यहाँ दूसरी तरफ मिस्टर जैंग कह रहे होते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे मेरे पैसे वापस मिले थे। और उसकी हालत को देखकर न्यून कह रहा होता है कि वाकई में मुझे मिस्टर जैंग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तैनीर प्रिंसेस के लिए वीआईपी कार्ड लेकर आती है और कहती है कि आज के बाद आप हमारे वीआईपी कस्टमर हैं और हमारी शॉप की एनिवर्सरी के दिन आप यहाँ की ड्रेसेस में 10% तक डिस्काउंट पा सकते हैं। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि तैनीर अपने शॉप की परफॉर्मेंस को देख रही होती है। वो कहती है कि पिछले सालों के अकॉर्डिंग इस साल हमारी ग्रोथ काफी ज्यादा बढ़ रही है, देखिए आने वाले टाइम पर वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ न्यून उससे कहता है कि वैसे तुम्हारे पास वीआईपी कार्ड बनाने का आइडिया कहाँ से आया। इस पर तैनीर न्यून से कहते हैं क्यों ना कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें और इस कॉन्फ्रेंस में हमें अपने ड्रेसेस को शो करने का और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो जिस पर न्यून उसके आइडिया को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर तैनीर उसे बताती है कि इन सारी चीजों के बारे में मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया, जानते भी हो वो बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानती है, उसी से मैंने सब कुछ सीखा है। जानते हो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने सारे कलेक्शंस को शो करेंगे जिससे हमारी सप्लाई की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वेल इस काम के लिए मेरे पास एक लड़की है। तो जिस पर न्यून उससे पूछता है कि कौन। इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर की काफी अच्छा शो चल रहा होता है। वहाँ पे सारे के सारे रॉयल फैमिलीज के लोग मौजूद थे। इसके बाद वो लड़की लोटस के अंदर से बाहर आती है जिसने
की काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उस कपड़ों की डिजाइन भी सो फैमिली ने ही बनाई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जूजी। जूजी को वहाँ देखकर कुयान की आंखें फटी की फटी रह जाती और उसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ लोग उसके कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। इसके बाद नियोन और तैनिर मिलकर बाकी सारे मेंबर्स को स्नैक सर्व करते हैं। यहाँ पर प्रिंसेस उन दोनों से पूछती है कि आखिर ये किस तरह के स्नैक है, तो जिस पर नियोन बताता है कि ये काफी ज्यादा यूनिक डिश है और मुझे नहीं लगता कि आपने इससे पहले अच्छी चीज कोई खाई होगी, भले ये दिखने में जैसा भी हो बट इसका स्वाद काफी ज्यादा लाजवाब है। यहाँ पर प्रिंसेस उसे टेस्ट करती है। दूसरी तरफ नियोन बता रहा होता है कि आपके लिए तो हमने स्पेशल डक के अंडों से ये रेसिपी बनाई है और वो सबके प्लेट्स में रखे हुए एग्स के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद वो कुयान के पास जाता है और कहता है कि वेल तुम्हारे लिए बाकी अंडे तो बचे नहीं थे तो हमने तुम्हारे लिए मेंढक के अंडे ही रखे हुए हैं। वेल तुम्हारी शक्ल भी बिल्कुल उनसे ही मिलती है। और यहाँ पर वो चुयान की बेइज्जती करता है जिस पर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ जब प्रिंसेस को ये बात पता चलती है कि एक्स वाली रेसिपी भी उसी लड़की की है जो कि परफॉर्मेंस दे रही है, तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि वाकई में ये लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद शो खत्म होता है कि तभी बीच में जुयान भी आ जाता है, कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तैनिर और नियोन आपके साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, तो जिस पर प्रिंसेस से कहती है कि वो जानता भी है कि वो क्या कह रहा है। इसके जवाब में चुयान प्रिंसेस से कहता है कि हाँ मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, ये लड़की पहले रेड लाइट एरिया में काम करती थी और इवन कि इसके फादर ने इसको बचपन में बेच दिया था। क्या आपको ये चीज सही लगती है कि हम जैसे रॉयल फैमिली के सामने इतने गंदे लोग मौजूद हो? अब जिस पर बाकी के लोग बातें करने लगते है कि क्या वाकई में जो चुयान कह रहा है वो सच है, आखिर रॉयल फैमिली के मैनर्स कहाँ गए, क्या हम सबको यहाँ पर बेइज्जत होने के लिए बुलाया था? अब ये बात सुनकर प्रिंसेस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो जिस पर तैनिर प्रिंसेस के पैरों में गिर जाती है और कहती है कि सारी गलती मेरी है, मैंने जूजी को यहाँ पर बुलाया था, माना कि जो भी चुयान ने कहा वो सच है लेकिन आधा जूजी के साथ पास्ट में जो भी हुआ है वो चीज उसने खुद से नहीं करी, उस टाइम पर वो छोटी थी और उसे जबरदस्ती उस काम में भेजा गया था, वो भी उसकी फैमिली की वजह से, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो उस जगह से बाहर निकली और उसने अपना एक बिजनेस खोला। इतनी ज्यादा कामयाब हो चुकी है कि वो अपने पैरों में खुद खड़ी है, उसका बिजनेस पूरी सिटी में काफी ज्यादा फेमस है। आपको नहीं लगता हमें ऐसे टैलेंट को बढ़ाना चाहिए कि हम उसके पास्ट को बार बार बीच में लेके आए? तो जिस पर प्रिंसेस उसकी बातों पर सहमत होती है। अब ये बात सुनकर चुयान को गुस्सा जाती है। यहाँ पर वो प्रिंसेस से कहता है कि बट आप ये बात तो नहीं भूल सकती है कि जूजी के फादर क्रिमिनल थे। इस बात पर प्रिंसेस को गुस्सा जाती है और वो चुयान से उसका मुंह बंद करने के लिए कहती है। वो कहती है कि आखिर तुम 10 साल पुराने केस को बार बार क्यों ला रहे हो, ये बात साबित हो चुकी है कि इसमें जूजी की कोई भी गलती नहीं है। उसको ऐसा करता थे गवर्नर वो फैमिली के यंग मास्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर चुयान ऐसे ही करेगा तो उसका फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, हमें उसे रोकना चाहिए। और इसके बाद गवर्नर आकर चुयान को समझाते हैं। दूसरी तो प्रिंसेस जूजी के पास आती है और कहती है कि आज की बात मैं ऑर्डर देती हूँ लिख के, जो भी तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करेगा या फिर कभी भी तुम्हारे पास से वजह से तुम्हारे ऊपर उंगली करेगा तो उसे काफी बुरी सजा मिलेगी, और ये बात वो उसे लिख कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शो खत्म हो चुका था और तैनिर और नियोन घर वापस जा रहे होते हैं। तैनिर नियोन से पूछती है कि वैसे जूजी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, तुम उससे कब मिले? जिस पर नियोन उससे कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। अब यहाँ पर तैनिर उससे कहती है कि शाओचैन शो में नहीं आई थी? अब जिस पर नियोन उससे कहता है कि उसने तो कहा था कि मुझे वहाँ पे गाना गा रहा है, जिसके जवाब में तैनिर उससे कहती है कि कौन सा गाना, उसकी तो कोई परफॉर्मेंस भी नहीं हुई, अब तो शो भी खत्म हो चुका है। और इसके बाद वो शाओचैन को लेने के लिए वापस जाते हैं। दूसरी तरफ हम शाओचैन को देखते हैं जो कि पानी के नीचे मैकेनिज्म चला रही होती है और वहाँ गाना गा रही होती है। अगले सीन में हम जुयान को देखते हैं जो कि दो किलर्स के पास आता है और वो कहता है कि मुझे दो लोगों का मर्डर करवाना है और इसके बदले में वो उन लोगों को पैसे भी देता है। के बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हम सिटी के गेट के सामने काफी ज्यादा लोगों को देखते हैं। वो लोग काफी दूर से सफर करते हुए उस सिटी तक पहुँचे थे, लेकिन सिपाही उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं कि वो लोग सिटी के रहने वाले नहीं थे। यहाँ वो सबके सब लोग उनसे भीख मांग रहे होते कि हमें अंदर आने दो, हमारे यहाँ पे बच्चे काफी दिनों से बीमार है, उन्होंने खाना तक भी नहीं खाया। ये सब कुछ गवर्नर उसका बंदा भी देख रहा होता है। उसका बंदा गवर्नर से कहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा, से बाढ़ आई है इन लोगों की
की संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कर्फ्यू हटा दूं, अगर ऐसा हुआ तो कैप्टन सॉन्ग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। तभी हम वहां पर नीहुन को भी देखते हैं जो कि उन सारे लोगों को देख रहा होता है कि कैसे वो लोग उन सिपाहियों से भीख मांग रहे होते कि हमारे अंदर आने। उनमें से काफी लोगों की हालत ठीक भी नहीं थी। एक बंदा ओल्ड लेडी को धक्का देता है तो जिस पर नीहुन उसे बचा लेता है। अब नीहुन को वहां देखकर वो सिपाही उसे अंदर आने देता है। दूसरी तरफ अंदर आने के बाद गवर्नर नीहुन से पूछते हैं कि लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम रोज सिटी से अंदर बाहर जो करते रहते हो। तो जिस पर नीहुन उससे कहता है कि समझ लो मैं तुम्हारा काम आसान करने वाला हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर उसका बंदा समझ नहीं पाते कि आखिर वो किस काम की बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूजी का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से उसने होटल भी खरीद लिया था। यहाँ पर मिस्टर जेंग और मिनिस्टर को सर्व कर रही होती है। यहाँ गवर्नर और मिस्टर जेंग आपस में बातें कर रहे होते हैं सिटी के गेट के बाहर खड़े लोगों के बारे में। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, पहले खाना इतना ज्यादा महंगा हो चुका है, और अगर हमने उन लोगों को भी सिटी के अंदर रख लिया फिर अनाज की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ हमारे पास अपनी सिटी के लोगों के लिए इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, तो हम उन्हें क्या देंगे। अब जिस पर मिनिस्टर कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके तो उसका हल भी निकालना होगा। पहले ही दो कंट्री की वॉर में वो बेचारे लोग फंसे हुए हैं, ऊपर से बाढ़ के कारण उनके घर वर सब टूट गए, इस साल की फसलें भी सब नष्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम तैनीर को देखते हैं जो कि उन लोगों के लिए कुछ कंबले भिजा रही होती है। तो उसको ये करता देख वो दोनों कहते हैं कि कम से कम अब लोग बचे हैं जिनके अंदर इंसानियत मौजूद है। तभी वहाँ पर नीहुन भी पहुंच जाता है। यहाँ पर नीहुन को देखकर मिस्टर जेंग अपना चेहरा छुपाने लगते हैं क्योंकि लास्ट टाइम उसने अपनी बीवी से नीहुन के बारे में शिकायत जो करी थी। यहाँ पर नीहुन मिनिस्टर को ग्रीट करता है, दूसरी तरफ वो मिस्टर जेंग को भी करता है और कहता है कि तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें देख चुका है। जिस पर मिस्टर जेंग उससे कहते हैं कि हाँ फिर मुझे किसी से डर नहीं लगता है। इसकी बाद नीहुन उससे पूछता है कि अच्छा प्रिंसेस से भी नहीं, तो प्रिंसेस का नाम सुनकर मिस्टर जेंग की फट जाती है। अब यहाँ पर मिस्टर जेंग नीहुन से कहते हैं कि वैसे ये बताओ तुम रोज सिटी से बाहर क्या करने जाते हो। तो जिस पर नीहुन मिनिस्टर क्विन से कहता है कि जानते हो आप जो मैंने नई जमीन क्या खरीदी है उस पे मैंने काफी दूर दूर तक विला ढूंढने की कोशिश करी, बट वहाँ पर तो विला मौजूद ही नहीं है। अच्छा हुआ कि मैंने उस लैंड के पैसे नहीं दिए, नहीं तो मुझे पक्का चूना लग जाता है। अब इस बात पर मिस्टर जेंग हंसने लगता है। यहाँ मिनिस्टर क्विन नीहुन से कहते हैं कि मुझे लगता है तुम यहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट बात के लिए आए हो। अब जिस पर नीहुन कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैंने इन दिनों सिटी से बाहर जाकर काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी और ये उसके रिजल्ट्स हैं। मैं सारे मैटर को ठीक कर सकता हूँ। आखिर हम लोग कब तक उनके लिए डोनेशन भिजवाते रहेंगे, अब टाइम आ चुका है उनकी प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व करने का। इससे पहले तो हम जितने भी बाहरी लोग हैं उन सबकी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ले लेंगे, उन सबके नाम हम रिकॉर्ड में मेंशन कर लेंगे जिस वजह से कोई भी जासूस वहाँ पर ना घुस पाए, और इसके बाद हम उन सबके लिए रहने के लिए जगह बनवाएंगे जहाँ हम उन सबको एक एक काम सौंप देंगे, जैसे कि छोटे बच्चे और औरतें वहाँ पर टेक्सटाइल और फैब्रिक बनाने का काम करेंगे। इससे हमारे यहाँ की क्लोथ के बिजनेस को काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, और रही बात उन लोगों की तो उन्हें रोजगार भी मिल जाएगा। जिस पर मिनिस्टर कहते हैं कि इतने सब चीजों के लिए हमारे पास जमीन कहाँ है, तो जिस पर नीहुन कहता है कि है ना जमीन। ये बात सुनकर मिस्टर जेंग समझ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा मतलब वही वाली जमीन जहाँ पर तुम रिजॉर्ट बनाने वाले थे। अब जिस पर नीहुन कहता है कि हाँ, दूसरी तरफ मिस्टर जेंग भी उसके इस बातों से एग्री थे क्योंकि अगर ये काम हुआ तो सिटी को काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। के बाद नीहुन वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर क्विन अपने बंदे को कहते हैं कि तुम जाकर बाकी लोगों से भी बात करो। मिनिस्टर क्विन और मिस्टर जेंग नीहुन के इस टैलेंट से काफी ज्यादा हैरान थे, और वो कहते हैं कि आखिर किसी बंदे के अंदर इतना ज्यादा टैलेंट कैसे हो सकता है, उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसे कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि आप अपनी खोई हुई पोस्ट को वापस से हासिल कर सकते हो। दूसरी तरफ हम तैनिक को देखते हैं जो कि कपड़े में थ्रेड से डिजाइन बना रही होती है। दूसरी तरफ नीहुन भी खुश होते हुए घर आ रहा होता है कि अचानक रास्ते में कोई उसे पीछे से आवाज लगाता है। जैसे लियोन पीछे मुड़ता है तो वो बंदा लियोन के सर पर वार कर देता है। दूसरी तरफ हम तैनिक को देखते हैं जिसका हाथ
सुई से चुप जाता है और उसके हाथ से खून आने लगता है। इसके बाद वो बाहर चले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जब नियुन की आँख खुलती है तो वो एक बोट में मौजूद होता है और वो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। यहाँ दूसरी तरफ काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी और नियुन के घर न आने पर तनीर को काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। यहाँ नियुन को उन दोनों बंदों की बातें सुनकर पता चलता है कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं और इसलिए वो बंदा अपनी छुरी को पैनी कर रहा होता है। यानी नियुन के पास समय काफी ज्यादा कम है, उससे इस जगह से भागना होगा। की बात वो आसपास कुछ चीज ढूंढने लगता है तो उसे वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है। जैसे वो उसे पकड़ के अपनी रस्सी काटने की कोशिश करता है कि तभी उस मटके के हिलने की आवाज आती है जिसे वो बंदे सुन लेते हैं। ये देखकर वो दोनों के दोनों ही अंदर चेक करने आते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि नियुन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है, यानी कि नियुन बेहोशी की एक्टिंग करता है। इसके बाद वो दोनों दरवाजा बंद करके एक बार फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। वो बंदे आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस बंदे का भाई कहता है कि अगर जुयान का बताया हुआ काम हमने पूरा कर दिया तो उसके बाद जुयान काफी बड़ी पोस्ट को हासिल कर देगा और उसके बाद तो हमें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा इस मर्डर के केस में। उनकी बातों को नियुन भी सुन रहा होता है और दूसरी तरफ वो अपनी रस्सी काटने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बंदे ने अपना वेपन पहना कर चुका था और यहाँ दूसरी तरफ नियुन ने अपनी रस्सी तोड़ दी थी और वो उस बोट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो बाहर जा रहा होता है वो उन दोनों की बातें सुनता है जहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि इसे मारने के बाद उन्हें दो लोगों को और ठिकाने लगाना है। पहली तो जूजी, क्योंकि उसने जुयान की काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी, और नियुन के मरने के बाद हम जूजी को जुयान के हाथों में सौंप देंगे और बची उसकी बीवी तो नियुन की बीवी को हम ऐसी मौत देंगे कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। अब यहाँ पर तनीर की बात सुनकर नियुन वहीं पर ही रुक जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है। इसके बाद वो उस खिड़की को भी बंद कर देता है तो उस चीज के हल्ले से वो दोनों के दोनों बंदे अलर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों चेक करने के लिए अंदर जाते हैं और अंदर जाने पर नियुन उन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है और उन दोनों की वार से अपने आप को बचाता है। जिस फाइट के दौरान नियुन सीधा आग के सामने जाकर गिरता है। यहाँ दूसरी तरफ वो बंदा उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आज यहाँ से बच जाओगे। अब यहाँ पर नियुन सामने पड़ी हुई जलती लकड़ी को उठाकर सीधा उसकी तरफ फेंकता है तो जिस पर खिड़की में आग लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ उसका भाई नियुन के ऊपर वार करने वाला ही था तो नियुन वहाँ से हट जाता है, लेकिन उसने शराब की बोतल फोड़ चुकी थी जिस वजह से वहाँ पर आग काफी तेजी से फैलने लगती है और उसकी तलवार में भी आग चले जाती है जिस वजह से उस बंदे के हाथ से उसका वेपन छूट जाता है। और अब यहाँ वो नियुन के साथ हाथ से फाइट करने लगता है जहाँ वो फाइट के दौरान एक बंदे के ऊपर उस जलते हुए कोयले को फेंक देता है तो जिस पर उस बंदे की बॉडी पूरी जल के राख हो जाती है। अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर वो से में आकर नियुन को मारने के लिए उस तलवार को पकड़ के उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो जिस पर नियुन उसकी हर वार से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और जब यहाँ वो उसे मारने वाला ही था तो इससे पहले नियुन उसे एरो से मार देता है, बट अफसोस इस अटैक में उसके वेपन से नियुन का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जुयान को देखते हैं जो कि चेक करने के लिए आया होता है कि नियुन मरा या फिर नहीं, लेकिन वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि वो बोट आधी चल चुकी है और वो उस धुएं के बीच में उन दोनों बंदों की डेड बॉडी को पाता है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे वहां से तेजी से भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम नियुन को भी देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हालत में वहां से जा रहा होता है। तभी वो जुयान को भी देख लेता है और कहता है कि मैं इतने जल्दी नहीं मर सकता, सबसे पहले मुझे अपने दुश्मन को मारना होगा। यहाँ नियुन को देखकर जुयान छुपने की कोशिश करता है बट यहाँ पर नियुन अब उसकी तरफ भी बढ़ने लगा था, उसके हाथ में एरो भी था। ये देखकर जुयान काफी तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है बट अफसोस आगे जाने के बाद वो नीचे गिर जाता है तो जिस पर नियुन उसकी तरफ एरो चलाता है और वो तीर जाकर सीधा उसके पैर पे लगता है जिस वजह से अब वो चल भी नहीं पा रहा था। वो नियुन से कहता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है तो जिस पर नियुन कहता है कि तुमने मुझे काम करने से मजबूर करा है, मुझे नहीं पता था मैं एक दिन ऐसा भी बन जाऊंगा। और अब यहाँ वो उसके पास आकर उसके पैर से उस तीर को निकाल देता है तो जिस वजह से जुयान दर्द के मारे और ज्यादा चिल्लाने लगता है और यहाँ वो नियुन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है तो जिस पर नियुन जुयान का सर ऊपर करता है और कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना, जो भी इस दुनिया में क्राइम करता है उसकी सजा जरूर मिलती है,
क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि लोग ही हमें देखे, बट इस जगह के रूल्स कुछ और ही है। यहाँ पर तुम अपनी हाई पोस्ट होने का फायदा उठा सकते हो, जैसे कि तुमने उन दोनों बंदों को हायर करा था ना मुझे मारने के लिए, अगर तुमने मेरे अगेंस्ट चाल रची होती तो मुझे तब फर्क नहीं पड़ता। बट आखिर उन दोनों का क्या कसूर था जो तुम उन्हें भी हम दोनों की दुश्मनी में ले आए, और अब यहाँ वो यान के तरफ जैसे कैसे करके बेहोशी की हालत में भी एक तीर चलाता है। वो तीर चलाने के बाद वो बेहोश हो जाता है, तो उसी तरफ वो तीर जाकर सीधा जीयुन को लगती है, जिस पर जीयुन मारा जाता है। वेल, इसी के साथ इसका पार्ट 1 एंड होता है। उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।